जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1940 की घटना डिस्कस करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम वर्धा से प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। पवनार आश्रम वर्धा के भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं विनोबा भावे। भारत के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम डिस्कस करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ है 27 नवंबर 1940 को। और 27 नवंबर 1940 को ही छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। धर्जेगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1940 का फर्स्ट टॉपिक, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इसे ही कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन इसी का ही दूसरा नाम है, दिल्ली चलो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। अर्थात इसके नेतृत्व करता होते हैं महात्मा गांधी, इसके नेतृत्व करता रहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के सेवा ग्राम आश्रम से, वर्धा के सेवाग्राम आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रतिपादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी अपने निवास स्थल सेवाग्राम आश्रम वर्धा से प्रारंभ करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। वर्धा में ही स्थित है पवनार आश्रम, वर्धा में ही स्थित है पवनार आश्रम, और पवनार आश्रम में रहते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे कहलाते हैं भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, कहलाते हैं पवनार आश्रम से विनोबा भावे,
विनोबा भावे, पवनार आश्रम से विनोबा भावे, ये कहलाते हैं भारत के पवनार आश्रम। पवनार आश्रम भी स्थित है वर्धा में। पवनार आश्रम वर्धा से भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं विनोबा भावे। ये है आनंद भवन इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज। आनंद भवन इलाहाबाद जो आज का है प्रयागराज। आनंद भवन इलाहाबाद या प्रयागराज, आनंद भवन प्रयागराज या इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बनते हैं भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं आनंद भवन प्रयागराज से पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं आनंद भवन इलाहाबाद से भारत के द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। ध्यान दीजिएगा, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन लगभग एक महीने के बाद प्रारंभ होता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रारंभ होता है 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। रायपुर से छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ होता है 27 नवंबर 1940 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से। छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 1940 को प्रारंभ होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा अपने बूढ़ा पारा स्थित मकान से प्रारंभ किया जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। समझिएगा, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहलाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। और छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ है 27 नवंबर 1940। तो इस प्रकार से हमने भारत और छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। जय हिंद, जय भारत।